हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ बीकॉम इन डीयू। अगर आप कहीं पे भी सर्च करते हो कि टॉप कॉलेजेस फॉर बीकॉम इन डीयू, तो आपको जो कॉलेजेस दिखाए जाते हैं जनरली वो कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स के होते हैं। तो यार डीयू का एक रूल है कि बीकॉम ऑनर्स सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास मैथ्स हो क्लास ट्वेल्थ में। और बहुत से बच्चों के पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं होती है कॉमर्स के साथ, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है बीकॉम के लिए, हम कौन सा कॉलेज लें। तो यार आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। तो यार अगर चलिए पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको जो कॉलेज बताऊंगी उसमें मैंने कोई पर्टिकुलरली किसी कॉलेज को रैंक नहीं दिया है, कि ऐसा नहीं कि मैं जो कॉलेज के नाम बता रही हूँ रैंक वाइज है, वो उनको मैंने कोई रैंक नहीं दिया है। सिर्फ मैं आपको टॉप टॉप कॉलेज के बारे में बताऊंगी जो डीयू फॉर बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के लिए फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ये साउथ कैंपस का कॉलेज है और इसमें बीकॉम ऑनर्स भी है और बीकॉम प्रोग्राम भी है। और ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। दूसरा है गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, ये कोएड कॉलेज नहीं है और इसमें भी बीकॉम ऑनर्स भी है और बीकॉम प्रोग्राम भी है। ये भी बीकॉम प्रोग्राम के लिए बहुत ही फेमस कॉलेज माना जाता है। ये पर्टिकुलरली सारे कोर्सेज के लिए फेमस माना जाता है, और पर मैं आपको अभी बीकॉम के लिए बारे में बता रहा हूँ, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स तो ये दोनों के लिए फेमस है। थर्ड है हंसराज। हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स है, यहाँ बीकॉम प्रोग्राम नहीं है। जैसे जिनको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है वो हंसराज जा सकते हैं। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज भी सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए है, यहाँ पे भी कोई बीकॉम प्रोग्राम नहीं है। और मैं अगर आप कहें तो मैं हिंदू कॉलेज की आपको एक बार परसेंट बता दे रही हूँ। हिंदी कॉलेज की बीकॉम ऑनर्स की परसेंट 98.25 है और हंसराज के भी बीकॉम ऑनर्स की परसेंटेज 98.25 थी। गार्गी कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स की परसेंटेज 96.50 थी और बीकॉम प्रोग्राम की परसेंटेज 95.50 थी। ये मैं फर्स्ट कट ऑफ आपको बता रही हूँ। और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी बीकॉम प्रोग्राम की 96.50 थी परसेंटेज और ऑनर्स की 97.25 थी। अब अगर हम आते हैं जीजस एंड मैरी कॉलेज, ये भी गर्ल्स कॉलेज है और इसमें भी ऑनर्स भी है और बीकॉम प्रोग्राम भी है। आप यहाँ पे दोनों कर सकते हो। तो अगर आपको ऑनर्स करना है या बीकॉम प्रोग्राम करना है तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल है। ऑनर्स की परसेंटेज यहाँ की 96 थी फर्स्ट कट ऑफ लास्ट ईयर की और बीकॉम प्रोग्राम की 95 थी। केएनसी कमला नेहरू कॉलेज, ये भी गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे भी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों है। बीकॉम प्रोग्राम की परसेंटेज फर्स्ट कट ऑफ 94 थी और ऑनर्स की 96 थी। अब लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यार ये भी गर्ल्स कॉलेज ही है, यहाँ पे पर सिर्फ ऑनर्स है और इसकी परसेंटेज लास्ट ईयर 98 थी फर्स्ट कट ऑफ। रामजस, रामजस में बीकॉम प्रोग्राम भी है और बीकॉम ऑनर्स भी है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। इसमें ऑनर्स की परसेंटेज गई थी प्रोग्राम की 97 थी और ऑनर्स की 98 थी। सेकेंड शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये भी साउथ कैंपस का कॉलेज है और ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसकी बीकॉम की 96% थी लास्ट या फर्स्ट कट ऑफ और बीकॉम ऑनर्स की 97 थी। फिर है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यार श्रीराम SRCC को तो सब जानते हैं, पर SRCC में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट हैं, इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स में लास्ट ईयर की 98.50% थी। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी फेमस है बीकॉम प्रोग्राम और कॉमर्स के लिए ही। यार कॉमर्स इसके नाम के पीछे थे, कॉमर्स के लिए ही फेमस है। इसकी बीकॉम प्रोग्राम की परसेंट थी 95 और ऑनर्स की थी 97। फिर हम नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये स्पेशली बीकॉम के लिए कॉमर्स कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। इसकी बीकॉम की है 96.75%। और किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ये नॉर्थ कैंपस में है, ये भी बीकॉम कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसका बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स यहाँ दोनों अवेलेबल है। इसकी बीकॉम ऑनर्स की परसेंटेज 98 थी और बीकॉम प्रोग्राम की 97.75 थी। थैंक यू सो मच यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर कंटिन्यूस लाइव आती रहती हूँ, वहाँ पर मैं एक लाइव सेशन रखती रहती हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।